हमारे बालों की अच्छी ग्रोथ और उनके अच्छे वॉल्यूम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बाल स्मूथ एंड सिल्की रहें, ताकि वो उलझ के टूटे ना। सो आज मैं मेघा आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा DIY होममेड हेयर पैक, जो कि आपके बालों को बनाएगा स्मूथ एंड सिल्की। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। एलोवेरा हेयर पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक फ्रेश एलोवेरा लीफ। मैंने अपने घर पर ही एलोवेरा का प्लांट लगा रखा है, तो मैं इसमें से अब कट करूंगी एक एलोवेरा लीफ। जब हम फ्रेश एलोवेरा लीफ को कट करते हैं, तो उसमें से एक येलो कलर का लिक्विड निकलता है। ये लिक्विड हर स्किन टाइप वालों को सूट नहीं करता है, इसलिए हम इस लिक्विड को डिस्कार्ड कर देंगे। इस लीफ को रखे हुए अब 20 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितना सारा येलो लिक्विड निकल गया है। अब ये लीफ यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अपना हेयर मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं। एलोवेरा हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हम इन लीफ से जेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके पास में एलोवेरा प्लांट नहीं है, तो आप फ्रेश एलोवेरा लीफ ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बिग बास्केट जैसे ऑनलाइन ग्रॉसरी ऐप पे आपको एलोवेरा लीफ आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने सारे एलोवेरा जेल को एक्सट्रैक्ट करके इस बाउल में कलेक्ट कर लिया है। अब हम हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले इस एलोवेरा जेल को एक जार में डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक जार में चलाएंगे। मिक्सर ग्राइंडर में चलाने के बाद में हमारा एलोवेरा जेल इस टाइप के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो इस टाइप का कोई भी मार्केट वाला एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस एलोवेरा जेल में मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल एंड 1 टेबल स्पून ऑफ ग्लिसरीन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल से बालों में नई शाइन आती है, तो इसलिए इसको ज़रूर ऐड करें। अगर आपके पास वेजिटेबल ग्लिसरीन या फिर और कोई प्रोडक्ट जो इस वीडियो में दिखाया गया है वो ना हो, तो उसको परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो। आपको सारे प्रोडक्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब मैं इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करूँगी और हमारा एलोवेरा हेयर मास्क बन के रेडी है। इस एलोवेरा हेयर मास्क को अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पर एक एम्प्टी स्प्रे बॉटल। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है, तो इस टाइप का कोई शैम्पू का बॉटल या किसी भी प्रोडक्ट का बॉटल यूज़ कर सकते हैं जिसमें पंप हो। अब हम इस हेयर मास्क को एक कोन की हेल्प से इस बॉटल में फिल कर लेंगे। अगर आपके पास कोई स्प्रे बॉटल नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी इस हेयर मास्क को अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा हेयर मास्क बिल्कुल रेडी है अप्लाई करने के लिए, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे यूज़ करना है। इस हेयर मास्क को यूज़ करने से पहले हमें अपने बालों को शैम्पू कर लेना है और उसके बाद में हमें इस हेयर मास्क को अपने बालों पे अप्लाई करना है। इस हेयर मास्क को अप्लाई करने से पहले हम अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल करेंगे, ताकि हमारे बाल उलझ के टूटे ना। अब हम इस हेयर मास्क को स्प्रे करते हुए अपने पूरे बालों में अप्लाई करेंगे और हल्के हाथों से अपने बालों को मसाज करेंगे, ताकि हमारा जो हेयर मास्क है वो पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई हो सके। इस मास्क को आपको हेयर टिप्स पे भी अच्छे से अप्लाई करना है, ताकि आपके बालों में हेयर स्प्लिट की प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा हेयर मास्क लेकर हमें इसे अपने स्कैल्प पे भी अच्छे से अप्लाई करना है। इससे हमारे स्कैल्प को कोकोनट एंड ऑलिव ऑयल का नरिशमेंट मिलेगा और हमारे बालों में शाइनिंग आएगी। अब मैंने अपने सारे बालों में हेयर मास्क को अप्लाई कर लिया है, तो अब मैं बन बना के अपने बालों को अच्छे से सिक्योर कर लूँगी। अब हमें इस हेयर मास्क को अपने बालों में 2 से 3 घंटे तक अप्लाई करके रखना है, और उसके बाद में हम अपने बालों को किसी नेचुरल क्लींजर या फिर माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेंगे। अभी मैंने अपने बालों पर शैम्पू कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने स्मूथ एंड स्ट्रेट दिख रहे हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई प्रोडक्ट इस वीडियो में जो दिखाया गया है वो परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।